और ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू कराते हैं। लातेहार से ये ब्रेकिंग खबर आ रही है, हम तक पहुंच रही है। दो नक्सली संगठन के बीच में वर्चस्व की लड़ाई में पर्चावार जेजेएमपी ने पर्चा चिपकाकर इलाके में मचाया है दहशत। टीएसपीसी संगठन को गुंडा गिरोह बताते हुए चुनौती दी गई है। बता दें आपको कि दो दिन पहले टीएसपीसी ने इलाके में पर्चा फेंका, जेजेएमपी पर हमला किया था। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र का ये मामला। तो देखिए इलाके में वर्चस्व की लड़ाई इन दो नक्सलियों के बीच में इस पर्चा या यूं कहे कि पोस्टरबाजी के माध्यम से देखने को मिल रही है। दो दिन पहले भी हमने खबर दिखाई थी जहां पर टीपीसी नक्सली संगठन की तरफ से पर्चा फेंका गया था, जेजेएमपी के बारे में कहा गया था कि उसे इलाके से दूर करना है, दूर हटाना है। हमने ये आशंका भी जाहिर की थी कि हो सकता है इलाके में इन दो नक्सली जो प्रतिबंधित नक्सली संगठन है इनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आपसी टकराव देखने को मिले। और आज की ये बड़ी खबर दिखा रहे ब्रेकिंग खबर कि वहां पर जेजेएमपी ने पर्चा चिपकाकर इलाके में मचाया है दहशत। टीएसपीसी संगठन को गुंडा गिरोह बताते हुए चुनौती दी है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे लातेहार, हमारे साथ संवाददाता अतुल इस समय फोन लाइन पर है। अतुल, दो दिन पहले भी हमने खबर दिखाई थी जब टीपीसी नक्सली संगठन की तरफ से पोस्टरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था और जेजेएमपी पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे, और अब वर्चस्व की लड़ाई जो है वो आगे बढ़ते हुए जेजेएमपी ने अब पोस्टरबाजी करके इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की है, टीएसपीसी संगठन को गुंडा गिरोह बताया है, जानकारी चाहेंगे। जी सर, बता दें कि बालूमाथ में प्रतिवर्धित नक्सली संगठन जेजेएमपी ने पोस्टरबाजी की है। और मैं बताना चाहूंगा कि बालूमाथ प्रखंड के मुख्यालय पाकी रोड के पास प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी ने पोस्टरबाजी किया। पोस्टरबाजी साठ कर टीएसपी उग्रवादी संगठन पर हमला बोल दिया। पोस्टर में टीएसपी नामक संगठन ने गुंडा गिरोह का बताया है टीएसपी को। वही सटे पोस्टर में उग्रवादी ब्रजेश गंजू और रोशन उराव और बेनाथ गंजू और पत्थर गंजू सहित कई उग्रवादियों को हत्यारा बताया है टीएसपी को। और आपको बता दें कि साथ ही क्षेत्र में संचालित कोल परियोजना का मगध अम्रपाली पिपरवाल और पूंडी चमातू जैसे कोल कंपनियों में जो जेबी वसूली का काम चल रहा है, किसानों को हाथ में मारने की बात होती है वो टीएसपी करती है, ये जेजेएमपी का बोलना है। और लगातार जो है कि अब जो है कि वर्चस्व की लड़ाई जो है बालूमाथ में जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ कोयला का जो धंधा होता है जो बड़े पैमाने पर होता है वहां पर सिर्फ जो है लेवी को लेकर, यानी ये पूरा जो मामला है अतुल, जिस तरह से आपने कोल माइंस की बात की जो बालूमाथ क्षेत्र में संचालित ये कोल माइंस हो रहे हैं, उधर टीएसपीसी चाहती कि उसका वर्चस्व बरकरार रहे, इधर जेजेएमपी भी अपना दावा ठोकती, यहां पर प्रशासन को भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इनके वजह से जो आम लोग है वो दहशत में आ जा रहे हैं। जी सर, बताना चाहूंगा कि टीएसपी जो है अब वो चाहती है कि जेजेएमपी का जो है वर्चस्व इस क्षेत्र में ना चले, मगर पुलिस के लिए अब जो है कि एक बड़ी चुनौती हो गई। और प्रशांत आनंद जो जिले के एसपी है उन्होंने ये कड़ा चुनौती जरूर लिया होगा जब दो दिन पहले इनके तरफ से जो है कि पर्चा फेंका गया था लगभग एक किलोमीटर की रेंज में, मगर अब जो है कि ग्रामीण भी दहशत में आ गए हैं कि लगातार जेजेएमपी के द्वारा चाहे टीएसपी उग्रवादी संगठन के द्वारा इस तरह का घटना को अंजाम दिया जा रहा है सिर्फ वर्चस्व को लेकर। और ये वर्चस्व सिर्फ एक ही इसका मंशा है सिर्फ लेवी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य होता है वहां पर लेवी लेने का इसकी जांच सब लोग जान रहे हैं कि पूरे मगध अम्रपाली एशिया का सबसे बड़ा योजना पर है। और इसमें जो है कि अब वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और देखना होगा कि पुलिस प्रशासन क्या करती है इसमें, क्योंकि पुलिस प्रशासन के लिए अभी फिलहाल बड़ी चुनौती होगी क्योंकि लगातार जो है पोस्टरबाजी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अतुल, हमारे साथ लातेहार से फोन लाइन पर जुड़े थे। और देखिए जिस तरह से जो बालूमाथ क्षेत्र की बात करेंगे वहां पर कोल ब्लॉक जिस तरह से संचालित किया जा रहा है, वहां पर नक्सली अपनी धमक अपनी मौजूदगी बरकरार रखना चाहते हैं जिससे कि लेवी उन्हें मिलता रहे, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करें। इसके साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखिए थोड़ी देर में सारी खबरों के अपडेट्स आसिया के साथ सिर्फ न्यूज 11 भारत पर। नमस्कार।